फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और मैं प्रवीण सैनी आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा वीडियो जो आप लोगों की हेल्प करेगा, चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी चैलेंज है रिगार्डिंग एजुकेशन, अगर आप स्कूल के अंदर और आपको लगता है कि यार और बच्चों के मुकाबले मुझे चीज़ें थोड़ी धीमे याद होती है, लेट याद होती है, या फिर याद करी हुई चीज़ें क्या रहती है, लंबे समय तक याद नहीं रहती है। अगर मैं बात करूँ कंपटीशन के बच्चों की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप काफ़ी सालों से प्रयास कर रहे हैं और अभी तक अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक आप लोग जो जॉब चाहते थे अपनी डिजर्विंग, या मैं ये कहूँ कि जो आपकी ड्रीम वाली जॉब है अगर वो आप चाहते थे और वो अभी तक आपको नहीं मिली है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चैलेंजेस की, और एक ऐसा फॉर्मूला लेके आए, एक ऐसा प्रोग्राम लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको बिल्कुल क्लियर कर देगा। कहीं ना कहीं आपको आपके जो भी एजुकेशन से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उन सभी को ओवरकम करने में वीडियो क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप चीज़ों को डिटेल से समझ पाएंगे। तो चलिए पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो हमारे बच्चे हैं, जो लोग अभी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज के अंदर हैं, उनको क्या चैलेंजेस आते हैं, और बात करूँ उनके पेरेंट्स को भी, तो दोनों कवर करके कुछ चैलेंजेस के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स को बेसिकली क्या चैलेंज आते हैं, सबसे पहली चीज़ तो हम लोग हर पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के अंदर क्या होते हैं, इतने स्ट्रांग नहीं होते। जैसा कि मैंने मेरे अनुभव में देखा है कि कुछ बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी ग्रामर पे और लैंग्वेज पे बहुत अच्छी पकड़ होती है, लेकिन मैथमेटिक्स उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। या कुछ लोग होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है लेकिन हिस्ट्री और साइंस उन्हें पसंद नहीं होती। तो अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप और आपके साथ में ऐसा कोई भी चैलेंज है कि पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट आपके लिए समस्या बना हुआ है, तो उसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर ज़रूर मिलने वाला है। इसके बाद में जो सेकंड चैलेंज मोस्टली बच्चे फेस करते हैं वो क्या होता है कि आप चीज़ों को याद करते हैं। उसमें होता क्या है कि आपने चीज़ों को याद तो कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं 2-3-4 दिन 5 दिन के बाद में वो चीज़ें क्या होती है, कहीं ना कहीं आपको धीरे 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 लैग करने लग जाते हैं, आप उन चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। और कई बार तो ये भी होता है कि स्टूडेंट एग्जाम से पहले चीज़ों को एकदम अच्छे से कंटेस्ट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते ही चीज़ें एकदम ब्लैंक हो जाती है, या फिर कोई क्वेश्चन आता है तो कुछ आधा प्रपोर्शन उन्हें याद रहता है, लास्ट की चीज़ याद रहती है, शुरू की चीज़ याद रहती है, या फिर कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये आंसर इस क्वेश्चन का था या इस क्वेश्चन का था। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं ये स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं फेस करते हैं। अब मैं अगर बात करूँ पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स को क्या चैलेंज आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई से जी चुराता है, या फिर महंगी महंगी ट्यूशंस कराने के बाद भी जैसा आप रिजल्ट चाहते हैं वैसा रिजल्ट नहीं आ पा रहा बच्चे का, या फिर जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है पेरेंट्स मोस्टली बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आजकल पढ़ाई कराते हैं, तो होता ही है कि जैसे हम बच्चों को पढ़ाई के लिए बोलते हैं तो उनके नए नए बहाने चालू हो जाते हैं कि मम्मी पेट में दर्द होने लग गया, मुझे नींद आ रही है। ये बेसिकली चैलेंजेस बच्चों को आते हैं। और अगर मैं पेरेंट्स के पॉइंट से बात करूँ तो क्या चैलेंजेस आते हैं पेरेंट्स को, कि हमारे जो बच्चे उनकी स्ट्रेंथ भी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी पढ़ाई में क्या नहीं कर पाते, वो मन नहीं लगा पाते। तो ऐसा अगर कोई भी चैलेंज है स्टूडेंट को या पेरेंट अगर ऐसी कोई भी चीज़ फेस कर रहे हैं, तो हम लोग आज आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए हैं जो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करेगा। चलिए तो पहले बात करते हैं उन बच्चों की जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। अभी जैसे हमने वीडियो में पहले भी जाना था कि बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक क्या हुआ, उनका एग्जाम ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा। यहाँ पर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पे जाने का कॉन्फिडेंस उन बच्चों में नहीं आ पाता, कहीं ना कहीं उन्हें डर होता है या खुद पे ही उन्हें विश्वास नहीं होता कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर भी सकता हूँ या नहीं। या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े अहदे की जो सरकारी नौकरी होती है, मैं ये कहूँ कि बड़े डेजिग्नेशन की जो पोस्ट होती है उनके लिए अप्लाई करने से बचते हैं। तो ऐसा अगर कोई भी चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए आज एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए हैं जो इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर देगा। उस प्रोग्राम का नाम है न्यू माइंडसेट। अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि आखिर ये न्यू माइंडसेट क्या चीज़ है, तो उसके लिए हमको पहले समझना ज़रूरी है कि आखिर माइंडसेट क्या होता है। दोस्तों माइंडसेट वो चीज़ है जो आपकी लाइफ में आपके सारे टारगेट्स को अचीव करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अब यहाँ पे दो तरीके का माइंडसेट होता है, एक होता है ओल्ड माइंडसेट और एक होता है न्यू माइंडसेट। व्हाट इज ओल्ड माइंडसेट? पीपल विद अ फिक्स्ड माइंडसेट, दोज़ हू बिलीव दैट एबिलिटीज आर फिक्स्ड। और यहीं पे हम लोग बात करेंगे व्हाट इज न्यू माइंडसेट, जो कि हमारे प्रोग्राम का नाम भी है।
those who believe that abilities can be developed. जी हाँ दोस्तों, इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग आपकी एबिलिटीज को क्या करने वाले हैं, इनहांस करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलने वाली है। क्या आप चाहते हैं कि इंग्लिश के या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लॉन्ग पैराग्राफ्स आपको कुछ मिनटों में याद हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि कैलेंडर जो है 1000 साल का वो आपके टिप्स पे रहे? हिस्ट्री के जो वॉर्स हुई है, हिस्टोरिकल वॉर्स जिसे हम लोग कहते हैं, हिस्ट्री की कोई भी ऐसी डेट्स जो आपको एक बार याद करें लाइफ लॉन्ग याद रहे? आप चाहते हैं कि कंट्रीज जितनी भी वर्ल्ड लेवल पे हैं उनकी करेंसीज क्या है, उनकी कैपिटल्स क्या है? क्या आप चाहते हैं कि आपको पीएच वैल्यू, पाई की वैल्यूज एकदम कंटस्ट रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके की और बहुत सारी चीजें याद करने को मिले? हम आप लोगों के लिए लेके आए ये प्रोग्राम, और कमाल की बात यह है कि ये प्रोग्राम हम आप लोगों के लिए लेके आए एकदम फ्री। जी हाँ, यहाँ पर आपको फ्री रजिस्ट्रेशन होने वाला है और ये प्रोग्राम हम आपको देने वाले हैं फ्री। तो दोस्तों देर ना करिए, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों की लाइफ को चेंज कर सकती है, आपकी एजुकेशन को चेंज कर सकती है और आपके सपने पूरे कर सकती है। तो दिए गए बोर्ड लाइन नंबर्स पे कॉल करें और जानें कि आखिर वो फ्री वेबिनार कब होने वाला है जिसमें आप लोग अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जल्द से जल्द क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को सीख सकते हैं। दोस्तों इसमें देर मत कीजिएगा क्योंकि कुछ लिमिटेड ही हम लोग बैच बना सकते हैं आप लोगों के लिए। और जैसा कि लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा है, हम लोग इसको YouTube के थ्रू, Insta के थ्रू, FB के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे हैं। काफ़ी रजिस्ट्रेशन और दूसरे प्लेटफॉर्म से आ चुके हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं जल्द से जल्द तो कॉल करिए और इसकी डिटेल में जानकारी लिए। मिलते हैं फ्री वेबिनार के अंदर। थैंक यू सो मच।